गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था स्टीक्योमेट्री के बारे में और स्टीक्योमेट्री कोफिशिएंट के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे? मैंने कहा था हम स्टीक्योमेट्री कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मोल्स मॉलिक्यूल और आपका मासेस कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं, हमने सब पढ़ लिया था। ठीक है, हम मोल का यूनिट हमने क्यों यूज़ किया ये भी हमने पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखना, तभी ये समझ आएगा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो परसेंटेज कंपोजिशन में हम आ जाते हैं, बहुत इजी टॉपिक है। परसेंटेज कंपोजिशन कुछ नहीं होता है, बस नॉर्मली आपका क्या दे रखा है, कोई कंपाउंड दे रखा है। मान लो आपको एक्स वाई जेड आपको एक कंपाउंड दे रखा है और बोला है इसका क्या निकालना है, आपको परसेंटेज निकालना है किसी एलिमेंट का। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, हम पहले परसेंटेज लेते हैं उस एलिमेंट का, उस पर्टिकुलर, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट उठाना है। जैसे मैंने एक्स उठाया, इस एक्स का मैं परसेंटेज ले रही हूँ, लास्ट में आपका टोटल कंपाउंड का परसेंटेज आ जाएगा, टोटल कंपाउंड का मास आ जाएगा, एलिमेंट का मास टोटल कंपाउंड का मास और इनटू आपका 100 हो जाएगा। ऐसे में अगर वाई का ले रही हूँ तो यहाँ पे वाई लिखूंगी और यहाँ पे लिखूंगी वाई का मास अपॉन एक्स वाई जेड पूरे कंपाउंड का मास इनटू आपका 100 हो जाएगा। सेम ऐसे जेड के लिए होगा, जेड का मास फिर आ जाएगा आपका एक्स वाई जेड का मास इनटू 100। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। कोई कंपाउंड दे रखा है, परसेंटेज निकालना है हमें, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का मास एक एक करके उठाएंगे, पहले पर्टिकुलर एलिमेंट का मास टोटल कंपाउंड का मास इनटू 100, फिर दूसरा उठाएंगे वैसे, तीसरा उठाएंगे वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको अपना मतलब न्यूमेरिकल में लगा के देखते हैं। ठीक है, इसे हटा रही हूं मैं, बहुत इजी टॉपिक है ये। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एग्जांपल, ले लेते हैं हम वाटर का ले लेते हैं, या फिर आप ले लो, चलो वाटर C2H5OH ले लो, थोड़ा बड़ा सा है। वाटर का आप खुद से करना घर पे। ठीक, C2H5OH ले लिया। अब ये कंपाउंड है, इसमें आपका क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। चलो पहले हम कार्बन का लेते हैं, कार्बन का मास कितना होता है, 12। टोटल कंपाउंड का भी निकाल लेते हैं, साइड में निकाल लेते हैं, टोटल कंपाउंड का मास हो जाएगा आपका 6 × 12 इंटू 2 + 6 8 × 16। ठीक है, ऐसे ही होता है, 6 × 12 6 8 × 16। ठीक, अब इसे करते हैं 24, 16 और 6 6 6 12, 12 13 14 15 16 46। ठीक, 46 आ जाएगा और इनटू आपका 100 आ जाएगा। लेकिन ये तो एक कार्बन के लिए है, दो कार्बन होगा तो 2 × 12 आ जाएगा। समझ आ गया? ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब इसको निकाल के देखेंगे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे निकाल लेते हैं आगे, ये आपका 46 है, इसको आगे निकाल लेते हैं, 24 upon 46 इंटू आपका आ जाएगा 100, 12 × 24 = 36 × 12 = 40। तो ये आपका जब आप निकालोगे आपका आ जाएगा 52.14% आंसर आपका ही आएगा। सेकेंड, आप हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन में कितना होता है, एक होता है, इसका मास टोटल कंपाउंड का 46 × 100। हाइड्रोजन कितने मेरे पास, 5 और + 1 6। ठीक, इसको करेंगे ये आपका निकल के आएगा 13.13%। ठीक, थर्ड आपके पास कितना है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो आपके पास एक ही है, 8 × 16 यानी कि ऑक्सीजन का मास कंपाउंड का मास इनटू आपके पास आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा आपका 34.73%। ठीक है, ऐसे ही करना है, बहुत इजी सा है। वाटर का आप करना घर पे, मुझे तो लगता है सबका आ जाएगा, नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वाटर का भी करवा दूंगी। ऐसे हम किसी भी कंपाउंड का कर सकते हैं। ठीक, परसेंटेज कंपोजिशन आई होप बहुत इजी था, है ना? तो सॉरी, आई थिंक बहुत इजी था, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब जो मैं करवाने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
तो उसको ध्यान से सुनना। पहले मैं पानी पी लूं, इसको रब करके मैं पानी पी लेती हूँ। टॉपिक का नाम भी डाल देते हैं। हमारे पास जो अब है वो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं लिमिटिंग रिएजेंट में और ज्यादातर मोल से रिलेटेड होते हैं। एक क्वेश्चन में समझा रही हूँ, अच्छे से समझना होता क्या है लिमिटिंग रिएजेंट वो समझना तो आपको इजी लगेगा। ठीक है, ठीक। अब मैं पहले पानी पी लेती हूँ। ठीक है, करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है बेटा, कि मैंने मान लो x प्लस वाई की रिएक्शन कराई और z प्लस ई बनाया, यानी कि प्रोडक्ट बना। ठीक है, एक जो रिएक्टेंट होता है, मान लो ये जो है वो बहुत ज्यादा एक्सेस में है और ये जो है आपका एक्सेस में नहीं है, लेसर अमाउंट में है। अब क्या होगा, देखो मान लो ये आपका, इसके पास 5 है, जितना भी है 5 ग्राम है, और इसके पास आपके एक 1 ग्राम है। ठीक, जब रिएक्शन होगी तो जो वाई वाला होगा वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में वाई वाला कंज्यूम हो जाएगा, 0 बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, यानी कि ये वाला पूरा कंज्यूम हो जाएगा। जो आपका पूरा कंज्यूम हो जाता है उसी को हम, उसी के बेसिस में हम आंसर निकालते हैं। इसी के रिलेट में हम क्या निकालेंगे, आंसर को निकालेंगे। आई होप इतना समझ आया जितना मैं बोल रही हूँ। मैंने बोला एक पार्ट x और y है, रिएक्शन किया, एक एक्सिस में है, एक कम अमाउंट में है। मैंने कहा एक 5 ग्राम हो गया, एक 1 ग्राम हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, जब हमने रिएक्शन किया हमने देखा ये वाला तो पूरा कंज्यूम हो गया, ये तो फिर भी बचा है। अब अगर इसका 1 ग्राम भी बचा होगा उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि 5 के कंपैरिजन 1 जो होता है वो कुछ भी नहीं होता है। तो अब मैं आंसर जो निकालूंगी इसके रिलेट में निकालूंगी, यानी कि जो भी मैं लेके चलूंगी इसका, इसको लेके चलूंगी और तब मैं प्रोडक्ट में जो भी पूछा होगा वो निकालूंगी। कैसे, मैं आपको करके बताती हूँ। इतना समझ आ गया? ठीक है, एक और चीज, मान लो यहाँ पे 3 दिया होता तो क्या मेरा ये चेंज हो जाता, क्या लेसर अमाउंट ये हो जाता? नहीं, स्टीक्योमेट्री से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें बस अपना ग्राम देखना है या वो देखना है कंसंट्रेशन कि किसमें कितना है और किसमें कितना ज्यादा है और किसमें कितना कम है। स्टीक्योमेट्री आपका आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि कौन सा लेसर अमाउंट में है और कौन सा नहीं है। जैसे कि हम करके दिखाते हैं आपको, मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको ही करते हैं कि आपका, उसने बोला कि N2 है, उसने H2 के साथ किया रिएक्शन, किया रिवर्सिबल रिएक्शन है और आपका NH3 बनाया। ठीक है, बैलेंस करेंगे ये 3 आ जाता है, ये 2 आ जाता है, ये भी गैस होती है, ये भी गैस होती है और अमोनिया भी आपकी गैस होती है। ठीक, क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 50 kg ऑफ N2 और 10 kg ऑफ, यानी कि ये आपका 50 kg है और ये आपका 10 kg है, इसने रिएक्शन करी आर मिक्स टू प्रोड्यूस और NH3 को प्रोड्यूस किया। कैलकुलेट द NH3 फॉर्म, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ NH3। ये बोल रहा है कि आप आइडेंटिफाई करो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और उसने प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कितना हिस्सा दिया या क्या हुआ। हम लिमिटिंग रिएजेंट को मानते हैं, चलो देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इन्हें मोल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इन्हें मोल में कन्वर्ट कर दें, चलो मोल में ही कर देते हैं कन्वर्ट। तो हमें पता है मोल क्या होता है आपका, मास अपॉन मोलर मास। ठीक, 50 kg, एक पहले मैं निकाल रही हूँ N2 का, 50 kg, 50 है और N2 कितना हो जाएगा, 14, 14 टू जा नाइट्रोजन का आपका 7, 2 जा 14 हो जाता है और 14 टू जा 2, 4 जा 8, 2, 1 जा 2, यानी कि 28
और मोलर मास का जो यूनिट होता है वो ग्राम पर मोल होता है, यानी कि हमें कुछ तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। केजी को कन्वर्ट कर देते हैं ग्राम में, 1 केजी में आपका 10^3 ग्राम होता है, तो यहाँ पर 10^-3 ग्राम हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका कितना निकल के आएगा बेटा, जो आपका N2 आपका निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 17.86 × 10^2 मोल, ठीक है, ये आपका ये निकल के आएगा जब आप सॉल्व करोगे। ये आपका केजी है। अच्छा यार, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, +3 आएगा, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, +3 आएगा और हमारा ये आंसर आ जाएगा, यानी कि N2 मेरा क्या निकल के आया है, ये मेरा निकल के आया है 17.86 × 10^2 मोल, ये मेरा निकल के आया है। अब मैं नेक्स्ट निकाल रही हूँ, नेक्स्ट मेरा क्या है, हाइड्रोजन है, चलो H2 के लिए निकालते हैं। मास कितना है इसका, 2 है, मास को हम क्या मान के चलेंगे, 2 मान के चलेंगे, क्योंकि आपके पास H2 1 है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, 3 हो जाएगा 17.86, 1 मिनट बेटा, मास अपॉन मोलर मास, क्या हम इसका 3 स्टोइकोमेट्री नहीं लेंगे, एक काम करते हैं, हाँ डायरेक्ट अभी ना ये स्टोइकोमेट्री मत लो, तो एक काम करते हैं, मास कितना है, 1 होता है आपका, ठीक है, मास क्या होता है आपका, यहाँ पे 1 होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है ना, मास आपको गिवन है 10 kg और मोलर मास आपका कितना है, 1 होता है, लेकिन H2 आपका 2 है, तो हम 2 लेके चलेंगे, ग्राम पर मोल हो जाएगा, मोल है, यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10^3 आपका ग्राम हो जाएगा, ग्राम से ग्राम आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 5 × 10^3 मोल, ठीक, इतना हमारा ये आ गया, तो यानी कि ये मेरा निकल के आया 5 × 10^3 मोल। अब क्या करना है, मुझे क्या पता है कि कौन सा ज्यादा है, 17 ज्यादा है या 5 ज्यादा है, 17 ज्यादा है, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। स्टोइकोमेट्री को स्टार्टिंग में यूज मत करना जब आप मोल निकाल रहे हो, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग मोल ये है और इनके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोल क्या है, 3 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोल क्या है प्रोडक्ट का, 2 है, हमारे अकॉर्डिंग मोल क्या है इसका, 5 × 10^3 मोल है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो अब हमने क्या बोला था, हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया, अब जो मैं प्रोडक्ट निकालूंगी वो इस लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस में निकालूंगी। अब मैं बोलूंगी कि 3 मोल जो है H2 का वो आपका 2 मोल ऑफ NH3 बना रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक, तो यानी कि 1 मोल कितना होगा आपका, कितना हो जाएगा, 1 मोल कितना बनाएगा आपका, 2/3 बनाएगा, ठीक, 2/3 ऑफ NH3 बनाएगा। तो अब ये बोल रहा है कि अब 5 × 10^3 है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 10^3 मोल से, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग जो मोल निकल के आया वो ये है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो NH3 का फॉर्मेशन है वो ये है, ठीक, तो NH3 जो हमारा फॉर्म हुआ कि 3 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो 1 से 2/3 बनेगा और हम ये NH3 निकाल रहे हैं और NH3 और हमारे अकॉर्डिंग जो मोल निकल के आया उससे हम करेंगे मल्टीप्लाई और हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा आपका 3.30 × 10^3 मोल NH3, ठीक है। अब क्या है, हमने स्टार्टिंग में हमें जो आंसर दे रखा है वो किस में दे रखा है, केजी में दे रखा है, हम इसे केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्या करेंगे बेटा, ये आपका मोल है, अब मुझे कहीं ना कहीं ग्राम पर मोल से इसे डिवाइड करूंगी। हमें पता होता है NH3 का मोलर मास क्या होता है आपका, आपको पता है 14 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, यानी कि 17 ग्राम पर मोल हो जाएगा, हमें केजी में निकालना है, ठीक है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करूंगी तो × 10^-3 केजी हो जाएगा, ठीक, यही होगा,
यही होता है ना, 1 kg में अगर 10^3 ग्राम होते हैं तो ग्राम के जगह मुझे ये लिखना है, तो ये आ जाएगा 10^-3 kg इज इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम की जगह ये लिख दिया मैंने, चलो लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा आ गया। अब इसको हम यहाँ पुट करते हैं, क्या हो जाएगा 3.30 × 10^3 × 17 × 10^-3, यहाँ पे मोल था, यहाँ पे केजी और इसका यहाँ पे मोल अपॉन मोल, इस मोल से ये मोल कैंसिल और जो हमारा निकल के आएगा आंसर 56.1 NH3 हमारा निकल के आएगा। इतना समझ आ गया कि कैसे हम लिमिटिंग रिएजेंट का यूज करते हैं। हमने पहले क्या निकालना है, जो भी आपको गिवन कर रखा है उसका मोल निकालना है, इनके अकॉर्डिंग मोल 132 है, हमारे अकॉर्डिंग मोल रिएक्टेंट का ये निकल के आया। ठीक है, ओके, उस टाइम पे हम स्टीक्योमेट्री का यूज नहीं कर रहे हैं। अब हमें ये पता होता है कि हम लिमिटिंग रिएजेंट, अगर हमें पता चल गया कि ये है, अब लिमिटिंग रिएजेंट से हमें प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि हम लिमिटिंग रिएजेंट का यूज कर रहे हैं, क्योंकि टोटली जो कंज्यूम हुआ होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट हुआ होगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट में हमें पता है इनके अकॉर्डिंग 3 मोल से 2 मोल ऑफ NH3 बना है, तो 1 से 2/3 बनेगा। हमारे अकॉर्डिंग जो बना है उससे हमने कर दिया मल्टीप्लाई, हमारा आंसर आ गया मोल में। लेकिन हमें स्टार्टिंग में केजी में गिवन था, तो हमें केजी में आंसर निकालना होगा। वहां पे हम देखेंगे यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, और यूनिट को कन्वर्ट करके काट के आंसर लिख लेंगे। तो इतना हमें समझ आया, ये था हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। आज के लिए हमारा इतना काफी है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे रिएक्शन इन सॉल्यूशन, पढ़ेंगे क्या क्या सॉल्यूशन में रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, अच्छे से, और उसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच आज के लिए।